गाइज वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो बहुत ही तबाही कंटेंट होने वाली है। बाकी आप लोग पीछे देख ही सकते हैं, हमारे पास है एक अपाची और एक R15 जो कि हम झांसी जा रहे हैं द UK07 राइडर से मिलने के लिए। बढ़ते हैं बाइक पर, दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइज चलते हैं और हमारे छोटे छोटे फैंस आप लोग देख सकते हैं। बाकी चलते हैं बाइक पर और हम चलाने वाले हैं R15 और हमारा बाइक चलाने वाला है अपाचे। सो चलते हैं। तो और चलते हैं बाइक पर। बाकी ये बहुत ही तबाही कंटेंट होने वाला है आप से और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाली वीडियो में। बाकी झांसी यहाँ से 30 किलोमीटर है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है एक्चुअल में। मुझे नहीं पता बाइक दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मेरा वाइड एंगल इतना अच्छा काम नहीं करता है। यहाँ पर कंपेरिज़न करने नहीं आए, हम चलाने आए हैं बाइक। सो गाइस बाइक चलाएँगे और प्रॉपर मज़े लेंगे। बाकी चलते हैं भाई, चलते हैं। हमारी बाइक चला रहे हैं था MP07 राइडर और हम चला रहे हैं उनकी R15। सो भाई चलते हैं, पूछ कर देखते हैं। बाकी यहाँ पे प्रॉपर ब्लॉग आ रहा है और वहाँ पे गड्ढे थे, सो इस वजह से इतना अच्छा प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा था और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। बाकी इसमें है VVA टेक्नोलॉजी जो कि 70,000 RPM पे एक्टिवेट हो जाती है। बाकी चलते हैं। तो गाइस चलते हैं अपनी बाइक पे। बाकी R15 का है तो क्या ही कहने, बट हमें अपनी बाइक पर ही चलना है क्योंकि हमें अपना बाइक को ही चलाने में मज़ा आता है। बाकी इस ये लुक देती है थोड़ा बहुत KTM के जैसा, जो कि पिकअप है नेक्स्ट लेवल। और क्या बात है यार, अपाची की तो क्या ही कहने यार, कतई जहर यार, मज़ा ही आ जाता है। तो चलते हैं आगे की तरफ, बाकी दिखाते हैं आप लोगों को। अभी आ चुका है फ्यूल स्टेशन, सो गाइस इसका फिलअप भी कराना है। बाकी हमारे MP32 राइडर हमारे साथ ही चल रहे हैं और थोड़े ही आगे फ्यूल अप होने वाला है। सो गाइस फाइनली फ्यूल अप करवा दिया है और आप लोग देख सकते हैं फुल टैंक होने वाला है। बाकी चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ से 5-10 किलोमीटर ही रह गया है जो जगह है, बाकी वहीं पर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस आ चुके हैं झांसी और ये है कानपुर के लिए रोड और हम झांसी में एंट्री कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी उन्होंने जो लोकेशन बताई थी वो था नेशनल स्कूल। सो गाइस अब हमें वो ढूंढना है। बाकी गाइस आ चुके हैं KVM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के पास, जो कि यहीं पर मीटअप होने वाला है। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई मीटअप होने वाला है, बट फिर भी देखते हैं, थोड़ा और ढूंढते हैं, हो सकता है चेंज हो जगह। बाकी लोकेशन यहीं का दिखा रहा था और ये जगह हमें ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। सो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बाबू भैया नहीं आए हैं और हम पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। अभी 6 बज चुके हैं और बाबू भैया अब तक नहीं आए हैं। हम उनके रिजॉर्ट में भी गए थे, जहाँ पर वो रिजॉर्ट गए थे उस रिजॉर्ट में भी बाबू भैया नहीं आए। और बाबू भैया की बहुत ही गलत बात है कि ऐसे वीडियो में झूठ बोलते हैं। आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, हम जैसे लोगों को। हम 50 किलोमीटर से यहाँ पे आए थे बाबू भैया को देखने के लिए, बट बाबू भैया यहाँ पे नहीं आए, तो दिल से बुरा लगता है गाइस। और जो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं लिंक भेज देता हूँ आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो गाइस आप चेक ज़रूर करना। चलो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।